नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज 24 का बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल। लालू के छात्र राजनीति में साथी रह चुके सरयू रॉय का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। ये बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं और इन्होंने ही चारा घोटाला मामले को उजागर किया था। इन्होंने ही हाईकोर्ट में जाकर इस मामले को लेकर सीबीआई जांच कराने की याचिका दायर की थी। बीजेपी ने अब तक 72 उम्मीदवारों के लिस्ट जारी कर दिए हैं, उसमें सरयू राय का नाम शामिल नहीं है। लिहाजा सरयू राय ने भी ये मान लिया है कि पार्टी को अब उनकी जरूरत नहीं, इसलिए पार्टी ने उन्हें टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। इस पूरे मामले पर सरयू राय का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी में हूँ लेकिन कल क्या होगा पता नहीं। माना जा रहा है कि सरयू राय मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं। उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी दोनों विधानसभा क्षेत्र का पर्चा ले लिया है। 2014 में सरयू राय ने जमशेदपुर पश्चिम टिकट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन मंत्री बनने के बाद भी वो अपने ही सरकार पर लगातार हमला करते रहे। सरयू राय ही वो नेता है जिन्होंने पशुपालन घोटाले का भंडाफोड़ किया था। बाद में इस घोटाले की सीबीआई जांच हुई। सरयू राय ने चारा घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने को लेकर पटना हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किया। नतीजा ये हुआ कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत दर्जनों राजनीतिक नेताओं और अफसरों को जेल जाना पड़ा। इसी मामले में लालू यादव आज भी जेल में बंद है। इससे पहले राय ने संयुक्त बिहार में अलकतरा घोटाले का भी भंडाफोड़ किया था, जिसमें तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन आज भी सलाखों के पीछे हैं। इसके अलावा सरयू राय ने झारखंड के खनन घोटाले को उजागर कर सनसनी फैला दी थी। तो बिहार के ऐसे ही हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 का बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल।